आगाज करूंगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, जम्मू कश्मीर बनेगा। मोहतरम जनाब गवर्नर बलूचिस्तान, मेरे रहबर रहनुमा नवाब जाम कमाल खान साहब, सरदार यार मावरन साहब, अब्दुल खालिक हजारा साहब, यहाँ बैठे हुए मेरे मोहज़ज़ीन, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, गुज़िश्ता 6 माह से हमारे कश्मीरी मैसूर है, और मोदी सरकार ने 370 और 35 खत्म करके वो समझता है कि कश्मीरियों के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत खत्म करेगा। वो गलत फहमी पर है, कश्मीरियों के दिल में इंडिया के लिए नफरत और ज्यादा हो गई है। मेरे भाइयों, कहा जाता है कि बलूचिस्तान, कहा जाता है कि बलूचिस्तान के लोग कश्मीरियों के साथ नहीं है, तो अकल के अंधो आप देखो, गलियों में जलसे हो रहे, जलूस हो रहे, हमारे बलूचिस्तान के भाई गयूर बलोच, गयूर पठान कश्मीरी भाइयों के साथ है। मेरे भाइयों, हमने तारीख रकम की है, हमारे रहबर, हमारे रहनुमा नवाब जाम कमाल खान ने तारीख रकम की और सारी दुनिया को बता दिया। हम गुज़िश्ता साल कश्मीर गए थे, तमाम सियासी पार्टियों को लेकर गए थे, नवाब जाम कमाल की क़यादत में हम गए, सरदार मसूद खान को हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज़मीन पर यह पैगाम दिया कि बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां, बलूचिस्तान की 1,20,00,000 आबादी आप कश्मीरी भाइयों के साथ है। और इस चीज से हमने इंडिया को वाज़े पैगाम दे दिया कि आप कहते हो कि कश्मीर की आजादी के लिए सिर्फ दरिया जेलम तक के लोग साथ हैं, तो आप देखें ये दरिया बोलान, पूरा बोलान उनके साथ है। मेरे भाइयों, हमारे विजनरी लीडर ने कहा कि हमने कश्मीर का मसला, बलूचिस्तान के लोगों ने कश्मीर के मसले को उजागर करने के लिए आलमी लेवल पर जाना है, और हमें फख्र है कि हमारे नवाब जाम कमाल की हिदायत पर हम अमेरिका गए और यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान की तरफ से कश्मीर का केस लड़ा। मेरे भाइयों, जिस जोश वलवले से 15 अगस्त को बलूचिस्तान के लोगों ने यौमे सिया मनाया, उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया को तमाचा मारा है 15 अगस्त को, और कहा जाता है के पाकिस्तान की मोहब्बत में पंजाब आ गए। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान के लोग उनसे भी आगे हैं। मेरे भाइयों, जब कहा जाता है अकवामे मुत्तहिदा में, जब कहा जाता है, तो आप जब ईस्ट तैमूर को आजादी दिलवा सकते हैं, तो कश्मीर को क्यों नहीं, ये दोगली पॉलिसी क्यों? मेरे भाइयों, हम कहते हैं कि हम बलूचिस्तान के अवाम, मेरी माए, मेरी बहनें, एक एक कश्मीरी लोगों के साथ है। मेरे सामने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा बैठे हैं, आप उन्हें बता दें कि बलूचिस्तान के लोग आपके साथ हैं, आपके हकूक के लिए साथ हैं, और बलूचिस्तान की 1,20,00,000 आबादी फ्रंट लाइन पर होगी, सबसे आगे होंगे। मेरे भाइयों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की 80,00,000 अकलियती आबादी, 80,00,000 अकलियत आबादी भी कश्मीर भाइयों के साथ है, और वो मोदी सरकार आरएसएस की पॉलिसियों पर लानत भेजती है। मेरे भाइयों, कहा जाता है
कहा जाता है कि शौरियत का कानून है, मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की अकलियत है, तो मोदी को मैं बताना चाहता हूं कि वहां तो मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। हमारी वफादारी पाकिस्तान के झंडे में है, सफेद रंग हमारा है, सफेद रंग हमारा है। हमें किसी की वफादारी दिखाने की जरूरत नहीं, हम अपने मुल्क के वफादार हैं। और मोदी को बताना चाह रहे हैं कि वो हमारी फिक्र ना करे, वो मोदी उन 20 करोड़ दलित हिंदुओं की करे जिनको बाथरूम की सहूलत भी नहीं। मेरे भाइयों, मेरा तो दिल करता है और मैं कहूं और आरएसएस के अजायम आपको बताऊं, मगर मेरे महबूब रहनुमा बैठे हुए हैं, उनको भी टाइम चाहिए। तो मैं आखिर में तमाम बच्चों ने जो परफॉर्मेंस की वो बहुत ही बेहतरीन थी, और मैं उन्हें सलूट पेश करता हूं। कैसे गयूर बच्चे होंगे तो हम पर कोई आंच नहीं आ सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।